अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, सो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी वीडियो की तरफ। आज मैंने वीडियो बनाई है फ्रिजी हेयर के लिए, जो मेरे बाल तो बाकायदगी के साथ फ्रिजी हैं, जैसे बम फटाओ मेरे बालों। ये मेरे पास भिंडी पड़ी हुई थी हफ्ते से, तो मैंने सोचा इसको रेमेडी कोई बनाकर इसको इस्तेमाल कर देती हूँ। इसको मैंने रखा बॉयल करने, 2 गिलास पानी की डाली और इसको रखा मैंने बॉयल करने। सो ये 5 से 10 मिनट तक बॉयल होगी, जब तक इसका कलर चेंज होगा और थोड़ी सी जेल टाइप हो जाएगी ये। तो ये हमारी हो रही है बॉयल, ये हो गई है यहाँ पर, देखिए थोड़ी सी ये बॉयल हो गई है। अब इसको मैं बाउल में शिफ्ट करूँगी, थोड़े टाइम के लिए इसको रखूँगी 2 मिनट के लिए, फिर इसको मैं करूँगी ग्राइंड। इसको मैं जूसर में डालकर इसको करूँगी ग्राइंड। अब इसको मैंने ये जूस बना दिया, इसका मैंने बाकायदगी के साथ इसका मैंने जूस बना दिया। एक साफ सुथरा सा ले लें बाउल, उसके ऊपर रखते मलमल का कपड़ा या ले लें छन्नी, जो भी हो आपके पास, जो भी इजी लगे उसे। मैं छन्नी से करती हूँ। फिर उसमें ये सारा डालकर उसमें छान लें। ये हमारे पास क्रीमी मास्क बन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मायोनीज, जो कि बहुत ही अच्छा ये मायोनीज होता है बालों के लिए, बिल्कुल शाइन देता है ये भी। तो इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 स्पून ऐड कर लेंगे, बालों के हिसाब से आप यूज़ कर सकती हैं। मैंने 2 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें ऐड किया था। अब इसको मैं करूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्मूथली फाइन सी रेमेडी तैयार हो गई है। अब इसको मैं लगाऊंगी बालों पर, पोर्शन करके इसको मैंने अप्लाई किया है बालों पर, ताकि ये बिल्कुल अंदर तक लग जाए बालों में। सो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं कवर करूंगी शावर कैप से। शावर कैप नहीं है तो आपके पास शावर होगी तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास रिजल्ट है, ये लास्ट, ये वॉश के पास बाद की रिजल्ट है, ये पहले की है, पहले की भी दिखा रही हूँ और ये वॉश के बाद की रिजल्ट है। सो चलें जी, अब करते हैं हम अपने ब्लॉग की एंडिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि किस। सो चलते हैं अब, अल्लाह हाफिज़।